महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद सप्ताह संस्थापक समारोह में गुरुवार को उदीयमान कवि गोष्ठी का आयोजन दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज स्थित कला संकाय भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसके संबंध में कार्यक्रम के संयोजक डॉ. अजय पांडे ने बताया कि युवा कवि की गोष्ठी विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालय तथा इंटर कॉलेज के युवा रचनाकार जो कवि हैं वह इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। गोरखपुर महानगर के आसपास के विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज के लगभग 3 दर्जन से अधिक संस्थाओं से बच्चों ने प्रतिभाग किया तथा टोटल 45 बच्चों ने प्रतिभाग में हिस्सा लिया। उदीयमान कवि गोष्ठी में युवा कवि और कवित्रियों ने जोरदार प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों को प्रभावित कर खूब तालियां बटोरी। विजेताओं को 10 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा कवि गोष्ठी कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजय पांडे ने कहा, जिंदगी में आम है जिंदा हो तो ताकत रखो बाजू में, कहना चाहूंगा जिसका शीर्षक है आज के नव युवक। अपने कार्य कुशलता से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर से मिलके हम भारत को जग में शिरमौर बनाएंगे, जग में शिरमौर बनाएंगे। सोचा था बनकर कुत्ते उस निरीह को, क्यों तुम सबने नोचा था। मातृभूमि पर सब कुछ हुआरा, मातृभूमि पर सब कुछ हुआरा, उस तेजस्वी का नाम खराड़ा, उस तेजस्वी का नाम खराड़ा। हे शिव भक्त मेवाड़ मुकुट, हे शिव भक्त मेवाड़ मुकुट, त्यागा महल त्यागा कुटुम, खाना पड़ा था घास की रोटी, रहना पड़ा था पर्वत की चोटी। आओ हम सब बात करें मेवाड़ मुकुट महाराणा की, मेवाड़ मुकुट महाराणा की। करते ही जाए भाला जब बोले उठाए, लौकी धारा बहती जाए, लौकी धारा बहती जाए। रणभूमि में जब वो आए, रणभूमि में जब वो आए, शत्रु बच के भाग न पाए, चेतक मानो नाव बना, चेतक मानो नाव बना, राणा के संग साथ चला। सब चेतक चलता ही जाए, सब चेतक चलता ही जाए, शत्रु चाह के रोक न पाए, सामने गढ़ में जो आ जाए, कोशिश करके बच न पाए, कोशिश करके बच न पाए। दुनिया क्यों उसकी चाहतों पर लगती पर की दीवार है, क्यों उसकी चाहतों पर लगती पर की दीवार है, क्यों उसे सहने पड़ते रोज अनगिनत अत्याचार है, क्यों उसे सहने पड़ते रोज अनगिनत अत्याचार है। भगवान से पूछे, भगवान से पूछे वो हर रोज ये सवाल, क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते एक जिंदगी का मान। बचपन में थी जो पापा की परी, बचपन में थी जो पापा की परी, क्यों है आज वो इतनी डरी पड़ी, क्यों है आज वो इतनी डरी पड़ी, क्यों दिखाई उसे इतनी तोहमत कि जब हो महसूस उसे कोसे वो अपनी किस्मत, कि जब हो महसूस उसे कोसे वो अपनी किस्मत। क्या नहीं देख सकती वो छोटी सी चिड़िया इस दुनिया को सुकून से, क्या नहीं देख सकती वो छोटी सी चिड़िया इस दुनिया को सुकून से, क्या नहीं बढ़ सकती वो भी एक बड़े जुनून से, क्या नहीं बढ़ सकती वो भी एक बड़े जुनून से। उस परी को जिसे करते विधाता भी प्रणाम है, उस परी को जिसे करते विधाता भी प्रणाम है। प्रकृति जिनकी रचना का एक परिणाम है, गौर फरमाइए, प्रकृति जिनकी रचना का एक परिणाम है। बिक जाती है लड़कियां, बिक जाती है लड़कियां, होती है भीड़ भीषण, क्यों भर जाता है इस समाज के दिल में इतना कीचड़। पढ़ने वाली पीली किरणेश्वर की, जिन्हें दिखी चटाएं घर से निकले, खाकी वर्दी वाले की, खाकी वर्दी वाले की। ये मत पूछो, ये मत पूछो कि उसके घर में वो रोने वाला कौन था, थी कहीं छाई खुशहाली और कहीं बदहाली का मौन था, और कहीं बदला बदहाली का मौन था। कहीं सज रहा मंडप बेटी का ब्याह रचाने के लिए, थी कहीं रो रही अंधी माँ जीवन सहारे के लिए, थी कहीं रो रही नवविवाहिता माँ बनने का आस लिए, थी कहीं रो रही प्रेमिका अर्धांगनी बनने का ख्वाब लिए, अर्धांगनी बनने का ख्वाब लिए। किंतु ईश्वर की नाइक्षा थी, ईश्वर की
हुए हूँ। हमारी तरह था उसके दिल में भी अरमा बेटी की ब्याह रचाने का, था उसके दिल में भी अरमा सनम की मांग सजाने का, था उसके दिल में भी अरमा गुल की एक झलक देखने का, था उसके दिल में भी अरमा अंधी माँ का सहारा बन जाने का। पर मन को उसने मार दिया, खुशियों का पर्दा फाड़ दिया, आधी कुआं को मेरे लिए अग्नि पर हृदय में जला, दुश्मन की गोली झेल कर देश को आजाद करने वो चला, देश को आजाद करने वो चला। धरा की खातिर पूरा पागल बलिदान हुए, जिस मातृभूमि मेवाड़ धरा की खातिर पूरा पागल बलिदान हुए, जिस सीमावर्ती मगध की खातिर सिद्धू कौटिल्य आचार हुए, जिस मातृभूमि मेवाड़ धरा की खातिर पूरा पागल बलिदान हुए, जिस सीमावर्ती मगध की खातिर सिद्धू कौटिल्य आचार हुए, जिस भारत की वसुधा की खातिर आजाद भगत कुर्बान हुए, जिस भारत की वसुधा की खातिर आजाद भगत कुर्बान हुए, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है, हम विश्व विजेता सिंधु राष्ट्र को पुनः अखंड बनाएंगे, महाराज प्रताप के वंशज हैं हम, एक लिंग बनाएंगे, भारत खंड के कोने कोने में हम भगवान लहराएंगे, भारत खंड के कोने कोने में हम भगवान शिव राम कृष्ण महावीर बुद्ध और नानक के बिना यह भारत उस शरीर की तरह की तरह हो जाता है। यही कारण है कि पिछले सैकड़ों वर्षों से प्रभु श्री राम और उनसे जुड़े तथ्यों पर लगातार हमले होते रहे हैं, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होगी, और हमारा यह संकल्प है, और हमारा यह संकल्प है कि जम्मू कश्मीर के राजा पुनः श्री राजीव लोचन, तो फिर करता सुनेगा, देशद्रोहियों के आगे अपना मस्तक कभी नहीं झुकाएंगे, देशद्रोहियों के आगे अपना मस्तक कभी नहीं झुकाएंगे। फिर मैं कविता कहता हूँ कि हे आर्य पुनः सम्राट बनोगे, हे आर्य पुनः सम्राट बनोगे, भगवान श्री राम को स्मरण करता हूँ, फिर कहता हूँ हे आर्य पुनः सम्राट बनोगे, हम सब दास प्रजा होंगे, हम होंगे तुम्हारे दीन ही तुम दीनानाथ कहलाओगे, हम होंगे तुम्हारे दीन ही तुम दीनानाथ कहलाओगे, राघव वैदेही के चरण धोकर अमृत जल बरसाएंगे, राघव वैदेही के चरण धोकर अमृत जल बरसाएंगे, तुम्हारे छत्र छाव में हम रघुवर रघुवर गाएंगे, महाराज प्रताप के वंशज हैं हम, एक लिंग बनाएंगे, भरतखंड के कोने कोने में हम भगवान लहराएंगे, भरतखंड के कोने कोने में हम भगवान लहराएंगे। राखी किससे बंधवाओगी, मरती रही कोख की हर बेटी, तो बहू कहां से लाओगी, बेटी ही बहन बेटी दुल्हन, बेटी बिन सूना है परिवार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। फिर देखना है ये रोशन जना, मैं भी एक उभरता सितारा बनना चाहती हूँ, मैं भी एक उभरता सितारा बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर अजय पांडे, प्रिंसिपल दिव्यनाथ एल टी प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर, इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का जो संस्थापक समारोह चल रहा है, एक सप्ताह कार्यक्रम, उसका आज आखिरी दिन है, कल समापन है। आज युवा कवि गोष्ठी की प्रतियोगिता है, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से, इंटर कॉलेजों से जो युवा रचनाकार जो कवि हैं, बच्चों में जो प्रतिभा है, वो लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से बच्चा हुआ है? गोरखपुर महानगर से सटे हुए लोग, गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर के जो डिग्री कॉलेजेज हैं महानगर और आसपास के जिलों के भीतर, रंदतपुर, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसण, गोरखपुर विश्वविद्यालय, सेंट एंड्रयूज कॉलेज, राम गुलाम राय प्रशिक्षण संस्थान, इसके साथ ही सरस्वती विद्या मंदिर रहमत नगर, SBM स्कूल मानीराम इत्यादि, लगभग 3 दर्जन से अधिक संस्थाओं से बच्चे आए हैं। सर कितने बच्चे भाग लिए? कुल 45 की संख्या में छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं।